हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल निगलो। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं कुछ ट्रिपल आईटी ले आऊँ, जो सबसे अच्छे ट्रिपल आईटी हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो ऐसे तो ट्रिपल आईटी बहुत सारे हैं, बट मेनली मैं उस ट्रिपल आईटी की बात करूंगा ना जहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, एक्सलेंट प्लेसमेंट है। ऐसे तो यार ट्रिपल आईटी बहुत सारे हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, बेंगलोर, अलाहाबाद, कोटा, सूरत, त्रिची, बहुत सारे हैं यार, ग्वालियर, बहुत सारे हैं ट्रिपल आईटी। बट मैं उन सभी ट्रिपल आईटी में से जो सबसे तीन आईटी ट्रिपल आईटी सबसे जो अच्छे हैं, अलाहाबाद, दिल्ली और आपका बेंगलोर, उसके बारे में बात करूंगा और उसके मिनिमम कट ऑफ के बारे में बात करूंगा और ये बात करूंगा कि वहाँ पे फीस कितने लगते हैं, उसके फीस स्ट्रक्चर कितने होते हैं। और हाँ, ये वीडियो ना बस सीएससी, ईसी और डबलई के लिए है, तो आप इन ब्रांच में तो देखना और ना दोस्त अपना पढ़ाई में लगे रहना यार, आप टाइम वेस्ट मत करो, बाकी जो तीन ब्रांच के हैं वो देखना यार अच्छे से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। और हाँ मेरे भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि काउंसलिंग साथ में ही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो मैं सब लिख दिया हूँ, प्रॉपर लिख दिया हूँ, हर एक ब्रांच का लिख दिया हूँ कितने कट ऑफ मिनिमम गया है। और ये देखो, ये ट्रिपल आई टी अलावा का मैं स्पॉट राउंड टू का लिखा हूँ, इसके बाद भी स्पॉट राउंड एक हुआ था नेशनल स्पॉट राउंड, उसका भी बताऊंगा कितना गेट स्कोर गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले ईसी और डबल ईसी, क्योंकि देखो इन ट्रिपल आई टी में ना बाकी ब्रांच अलाउ नहीं होते हैं, ईसी और सीएससी वाले होते हैं, डबल ई वाले वीएसआई लेकर इसमें जा सकते हैं, इसलिए डबल ई लिख दिया हूँ। तो आप लोग वीएसआई लेकर जा सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मस्त प्लेसमेंट होता है। देखो क्या है, पहले बात करते हैं ना ट्रिपल आई टी अलाहाबाद का। देखो ट्रिपल आई टी अलाहाबाद का जो वीएसआई का ये कट ऑफ जो मैं बताया हूँ ना, ये 2023 का कट ऑफ है, ठीक है। तो देखो जो वीएसआई का कट ऑफ ना ट्रिपल आई टी अलाहाबाद में, ये 418 गया था, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड सेकंड में गया था, ठीक है। और इसके बाद भी एक स्पॉट राउंड हुआ था, उसमें लगभग 380 के पास चला गया था जनरल कटा का। प्लेसमेंट की बात करूंगा, प्लेसमेंट कैसा है, इंटर्नशिप अलाउ है कि नहीं है, सबकी बात बात करूंगा, तो वीडियो लास्ट जरूर बने रहना मेरे यार। तो क्या है देखो, अलाहाबाद का ये 418 गया था जनरल कैटेगरी का। और यही बात करें अगर कम्युनिकेशन का, तो कितना गया था 376, और जो एक और राउंड बचा था उसमें अप्रॉक्स 350 के आसपास चला गया था जनरल कैटेगरी का। सिमिलरली ऐसे ही देख लो सीएससी वाले, देखो ई डबल ई वाले ना वीएलएसआई ले सकते हैं, इसलिए लिख दिया हूँ यहाँ पे डबल ई वालों के लिए भी। तो आप वीएलएसआई भी फोकस करना डबल ई वालों, क्योंकि प्लेसमेंट काफी अच्छा है वीएलएसआई का। और अभी बात करता हूँ ट्रिपल आईटी का फीस और क्या है इनका प्लेसमेंट के बारे में। और ऐसे सीएससी आईटी का देख लो, एमएल कितना गया था, मशीन लर्निंग कितना गया था, 514 गया था, 514 गया था, और लगभग 500 तो चला गया था लास्ट राउंड में। और ये अप्रॉक्स डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर का गया था 502 के आसपास, तो ये भी 490 के आसपास चला गया था, बट इतना लाओगे तो मिल जाएगा सीएसआईटी वालों। और ऐसे ईसी और डबल ई इतना लाओगे आप लोग मिल जाएगा ट्रिपल आईटी अलावा का। और इसके बारे में अभी तुरंत इसके बारे में बात कर लेते हैं और प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ यहाँ ट्रिपल आईटी अलावा में ना यहाँ पे 6 मंथ का इंटर्नशिप अलाउ होता है, और फीस इसकी अप्रॉक्सिमेट है ट्रिपल आईटी अलावा की फीस ना, अगर आप मान लो तो ये कितनी है, लगभग आपको 1,33,000 पड़ जाएगा, ठीक है, 1,33,000 पड़ जाएगा टोटल फीस। टोटल फीस में सेमेस्टर वाइज फीस है 1.33, 1,33,000 इसकी फीस पड़ जाएगी। अब बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट की कैसा है, तो मेरे यार देखो इसका जो रियलिटी बता रहा हूँ ना, अगर ट्रिपल आई टी अलाहाबाद वाले स्टूडेंट देख रहे होंगे ना, तो भाई आप रियलिटी बता देना कि मैं गलत कर रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ट्रिपल आई टी अलाहाबाद का यार प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, खासकर वीएलएसआई के लिए और कम्युनिकेशन वालों के लिए, ठीक है, उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है यार उसका, तो अवॉइड करना इससे अच्छा चले जाना मेरे नाइटिव में, क्योंकि इनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो 6 मंथ इंटर्नशिप भी अलाउ करते हैं, और जहाँ 6 मंथ इंटर्नशिप अलाउ होता है प्लेसमेंट कम चांस होता है यार। और यहाँ फीस भी इतनी हाई है यार 1.33, और फिर यहाँ के अकेडमिक जो रहने का हॉस्टल वगैरह जो होता है उसका ही फीस हाई है यार, मेस का ही फीस हाई है यहाँ का। तो देख लेना, यहाँ मत जाना अगर वीएलएसआई लेना हो तो, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। बाकी सीएससी आईटी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यार, बहुत अच्छा प्लेसमेंट जाता है आई टी वालों के लिए। ये जो एमएल लिखा ना, ये आई टी विथ एमएल है, ये आई टी विथ डी एस है, मतलब आई टी आपको पता ही होगा ना सी एस सी और आई टी वालों के लिए, यहाँ पे जो ट्रिपल आई टी अलाहाबाद का जो आई टी ब्रांच है ना काफी अच्छा है, काफी तगड़ा प्लेसमेंट है। तो अगर आप सी एस सी आई टी से हो तो जा सकते हो इन ब्रांचों में। हाँ अगर आप ई सी से भी ना तो वहाँ पे एमएल ले सकते हो, अगर मशीन लर्निंग में आपको इंटरेस्ट हो, कोडिंग इंटरेस्ट हो, तो ई सी डबल ई होके भी ना आप एमएल ले सकते हो, तो ये जा सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाओ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जाना चाहते हो फ्री, बट मैं इसी डबल ई वालों को वीएलएसआई कम्युनिकेशन सेलेक्ट और सजेस्ट नहीं करूंगा। फीस भी देख लो हाई है, प्लेसमेंट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। चलो बात करते हैं ट्रिपल आई टी बेंगलोर का। मैं तो गई हूँ बेंगलोर में,
देखो ट्रिपल आई टी बैंगलोर VLSI क्या है, यहाँ पे ना VC नहीं है, और ट्रिपल आई टी बैंगलोर में ना यहाँ पे MS भी होता है 3 साल का, MTech RA कहते हैं उसे, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर VLSI है तो आपको 580 स्क्वायर के आसपास VLSI मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा इजिली, अगर इससे 10 कम भी रहा तो भी मिल जाएगा, बट मैं सेफ स्कोर लेकर चल रहा हूँ, 500 तक गेट स्कोर तक आपको मिल जाएगा और इजिली मिल जाएगा। और बाकी ML मशीन लर्निंग भी VLSI इसी और इसी वालों ले सकते हैं मशीन लर्निंग, तो उनके लिए 525 के आसपास गेट स्कोर आना तो आराम से मिल जाएगा ML वहाँ पे। और यहाँ पे ट्रिपल आई टी बैंगलोर में भी इंटर्नशिप या 6 महीने का लागू होता है, ठीक है, बट यहाँ पे प्लेसमेंट है, यहाँ पे फुल टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। अभी मैंने वहाँ के स्टूडेंट से बात किया है तो लगभग लगभग हो गया, अभी भी कंपनियां जा रही हैं, लगभग लगभग बच्चों का हो गया, कुछ बच्चे बाकी हैं बट मोस्टली बच्चों का हो गया, फुल टाइम भी अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो आप VLSI लेना चाहते हो ना तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर में जा सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी यहाँ का मशीन लर्निंग भी काफी सही है यार। बाकी CST वाले और IT वाले यहाँ पे देखो, अगर आप CST लेना चाहते हो तो 530 के आसपास, 530 के आसपास गेट स्कोर मिल जाएगा आपको। सिमिलरली मशीन लर्निंग यहाँ पे 525 515 तक के आसपास में आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका भी प्लेसमेंट काफी सही है, मस्त प्लेसमेंट है यार। और बैंगलोर सिटी भी अच्छा है, काफी बीच वगैरह है कर्नाटका में, काफी सही है। तो इसकी भी फीस ना अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास होती है, 1.5 लाख के आसपास होती है, ठीक है, प्लस ही होता है 1.5 से, ठीक है। और यहाँ का जो बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट तो सही है भाई, प्लेसमेंट एकदम बिल्कुल सही है दोनों ब्रांच के लिए, अगर दोनों ब्रांच में किसी में जाना चाहते हो प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इतना गेट स्कोर लाने हो जाएगा। और 500 गेट स्कोर अगर इसी में लाने के लिए ना आपको ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, लगभग अप्रॉक्सिमेट 38-39 मार्क्स इतने आएंगे तो आराम से मिल जाएगा, ऐसे गेट स्कोर पता चलेगा आपको, जब जैसे गेट एग्जाम आएगा ना गेट स्कोर और गेट मार्क्स में दोनों में डिफरेंस होता है, वो पता चल जाएगा, बाद में बताऊंगा, बट अभी इतने में मिल जाएगा आपको। सिमिलरली अगर बात करें ऐसे ही ट्रिपल आई टी दिल्ली, यहाँ पे तो गूगल हार्डवेयर भी आती है ट्रिपल आई टी दिल्ली में, काफी अच्छा प्लेसमेंट गया था 2022 में काफी अच्छा प्लेसमेंट गया था ट्रिपल आई टी दिल्ली का। तो देखो मैं लिखा हूँ यहाँ का VLSI का प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे क्या है ना, आप गेट से हो तो भी जा सकते हो, और आप गेट में क्वालिफाई नहीं किए हो नॉन गेट के थ्रू भी जा सकते हो ट्रिपल आई टी दिल्ली में, दोनों अपॉर्चुनिटी है। और ये देखो एक बात और, ये ट्रिपल आई टी जो अलाहाबाद है ना, इसका काउंसलिंग CCMT के थ्रू होता है, जब CCMT में काउंसलिंग कराओगे जो गेट का काउंसलिंग होता है ना उसके थ्रू ये मिलते हैं, और ये ट्रिपल आई टी बैंगलोर इनका अलग काउंसलिंग कराना पड़ता है, और ट्रिपल आई टी दिल्ली का भी अलग काउंसलिंग कराना पड़ता है। तो इन कैसे काउंसलिंग करेंगे इसके बारे में तो बाद में बात करूंगा, बट ये जान लो अभी कैसे होता है। बाकी ट्रिपल आई टी दिल्ली का अगर VLSI चाहते हो तो 450 के आसपास रहा, 430-440 भी रहा ना तो लास्ट में आते आते तक मिल जाएगा, जनरल कैटेगरी जो भी लिखा हूँ सब जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिखा हूँ, ठीक है। और ऐसे अगर आप इसी से हो मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तो 500 के आसपास गेट स्कोर रहा ना दोस्त, तो आपको ये भी मिल जाएगा, मशीन लर्निंग मस्त अच्छी ब्रांच है, ये VLSI और मशीन लर्निंग अच्छी ब्रांच है, प्लेसमेंट है यहाँ पे ट्रिपल आई टी दिल्ली का, और कैंपस भी बहुत सारा सुंदर है, तो आप यहाँ जा सकते हो। बस मैं ये कहूँगा ट्रिपल आई टी इलाहाबाद मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी आप देख लेना, अगर यहाँ के बच्चे हों स्टूडेंट हो पढ़ा रहे हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देना जो रियलिटी हो, अगर लग रहा है तो मैं कुछ और बोलता हूँ तो आप भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे भी काफी अच्छा प्लेसमेंट है ट्रिपल आई टी दिल्ली में, जा सकते हो, कम ही गेट स्कोर पर मिल जाएगा, ये कम गेट स्कोर अगर 440 भी रहा तो मिल जाएगा, ऐसे ही एम एल तो आप 500 के आसपास मिल जाएगा मशीन लर्निंग। और बाकी CSE IT वाले उठेंगे, यहाँ पे कई सारे ब्रांच हैं, कुछ तो मैंने लिखा नहीं है बट जहाँ प्लेसमेंट अच्छा होना वही लिखा हूँ, जैसे डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंस है तो मैं DS लिख दिया हूँ, ठीक है, ये भी अप्रॉक्स 500 गेट स्कोर के आसपास आपको मिल जाएगा। सिमिलरली AI की बात करूँ तो AI भी काफी सही है यार, AI वहाँ भी काफी अच्छी ब्रांच है ट्रिपल आई टी दिल्ली की, तो ये लगभग 515-520 के आसपास ऐसे मिल जाएगा गेट स्कोर। और IT भी ब्रांच है लगभग 490-500 ऐसे इतना गेट स्कोर आना आपका मिल जाएगा। और इसका फीस क्या है ना यार, इसका फीस थोड़ा हाई है, तो ये अप्रॉक्सीमेट अगर आपका फीस लगभग 1.7 लाख प्लस रहा ना तो आपको मिल जाएगा, इतना फीस लगता है इसमें 1.7 लाख, तो फीस इसका हाई है। देखो ट्रिपल आई टी जो भी है ना इनके फीस बहुत हाई होते हैं यार, इसलिए लोग ट्रिपल आई टी में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फीस ही देख रहे हो यार 1.3, 1.5, 1.2 इतना फीस NIT IIT से नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं, बट हाँ इनके में प्लेसमेंट है यार, तो आप जा सकते हो, अगर आप फाइनेंशियल आपकी कंडीशन ठीक है ना तो जा सकते हो। बाकी लोन वगैरह भी मिल जाता है, इंस्टीट्यूट लोन मिल जाता है, फीस लोन मिल जाता है, तो आप लेके भी जा सकते हो, अगर आपके गेट स्कोर अच्छे नहीं आए हों तो इसमें जा सकते हो ट्रिपल आई टी दिल्ली में, ठीक है, नॉन गेट वाले भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल आई टी बैंगलोर में MTech क्या होगा, MTech RA होता है जो 3 साल का होता है ना, उसमें अगर आपके गेट स्कोर ना लगभग 350 के आसपास रहते हैं, 350 से लेकर 400 तक रहते हैं तो आपको VLSI मिल जाएगा,
जो 3 साल का होता है उसमें भी प्लेसमेंट सही होता है। लगभग अभी देखो जून स्टार्ट होगा ना तो प्लेसमेंट चालू हो जाएंगे वहाँ पे ट्रिपल आई टी बैंगलोर में, एमएस वालों के लिए, एमटेक आरए वालों के लिए तो प्लेसमेंट है। अब अगर कम वेट स्कोर लेकर ट्रिपल आई टी बैंगलोर में जाना चाहते हो तो 3 साल का जो कोर्स होता है ना उसमें जा सकते हो। सिमिलरली ऐसे घटा दो लगभग 100 वेट स्कोर घटा दो तो आपको मिल जाएगा एमटेक आरए 3 साल का। सभी जगह स्टाइफंड मिलते हैं ठीक है, आई थिंक बैंगलोर में स्टाइफंड ज्यादा मिलता है ट्रिपल आई टी बैंगलोर में, बाकी सभी जगह 12,400 स्टाइफंड सभी मिलेंगे अगर आप गेट क्वालिफाई हो। अगर गेट क्वालिफाई नहीं हो ट्रिपल आईटी दिल्ली में जा रहे हो तो स्टाइफंड नहीं मिलेगा, बाकी अगर गेट क्वालिफाई हो तो मिलेगा, स्टाइफंड वगैरह मिलता रहता है ठीक है। बाकी फीस देख लो फीस कितना है और डिपेंड करता है आप किस पे जाना चाहते हो। मैं सजेशन आपको दे दिया हूँ प्लेसमेंट के हिसाब से बता दिया हूँ, अब अपना देखना यार कौन से आपको लग रहा है कौन से जाना चाहिए ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। थैंक यू सो मच मेरे यार, बाय।